Assalamualaikum my YouTube family, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक सब अच्छे होंगे। और यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ फिश मसाला, ठीक है जी, मछली का सालन। यहाँ पे मैंने ले लिया फिश, तेल डाल के प्याज को अच्छे से ब्राउन करके फिर हमें क्रश कर लेना है। यहाँ पे लहसुन ऊपर डालना, ये हमारा पीस तो बन गया है। उसके अंदर अच्छे साथ साथ मिर्च डाल दिए उसमें, प्याज का पेस्ट डाला हमने ग्राइंड करके, ठीक है। ये हमारे पास टमाटर था, ठीक है, टमाटर का पेस्ट है, दो टमाटर ये डाल। यहाँ पे हल्की आंच करती हूँ ताकि हमारा टमाटर का जो पेस्ट जो फ्यूज हुआ हुआ है वो मेल्ट हो जाए। और आप कोई भी शान का मसाला, कोई भी मछली का मसाला ले सकते हैं, मैंने शान का लिया है, ठीक है। थोड़ा सा मैंने डाल दिया है, ठीक है, 1 से 2% के लिए बना रहे हैं, कोई ज़्यादा नहीं। तो मछली का सालन अपने शौक से खाता नहीं है मैंने, ठीक है जी। आज थोड़ी तेज़ कर देंगे, इसको होने देंगे, ये मेल्ट हो जाएगा, थोड़ा भूलेंगे, फिर हम दही ऐड करेंगे इसमें। अब इसमें फेटा हुआ दही है जो कि मेरे पास मैंने फेट लिया था अच्छे से, आपने वो ऐड कर देना इसमें। इसके साथ साथ हम इसमें कड़ी पत्ते डालेंगे, मिक्स करते रहेंगे। थोड़े से कड़ी पत्ते ले लें डालने के लिए अच्छे से। यहाँ पर मैंने कड़ी पत्ते भी ऐड कर दिए, ठीक है। अच्छे से मसाला भून चुका है, देखिए। इसी में हम अपनी फिश ऐड करते जाएंगे। मछली डाल देते हैं, आंच हम हल्की कर देंगे और उसको होने देंगे, क्योंकि फिश जो है जल्दी गल जाती है, तो ज़्यादा चम्मच भी नहीं चलाना कि इसमें ये टूट जाए और नशा नशा हो जाए, ठीक है। उसको हम ढक देते हैं और हल्की आंच कर देते हैं और गल देते हैं। देखते हल्के हाथ से चलाएंगे ताकि हमारे मछली के पीसेस ना टूटे। तेल ऊपर आ चुका है, मसाला अच्छे से बन चुका है, देख रहे हैं। वाइट मीट होता है और ये बहुत जल्दी गल जाता है, इसको इतना टाइम नहीं लगता है, ठीक है जी। डिस्टोर करते हैं, थोड़ी सी हरी मिर्ची भी डाल देंगे। और एक और बार मैंने नमक यहाँ पे नहीं डाला था क्योंकि पैकेट में ऑलरेडी होता है, तो अगर आप लोग ज़्यादा नमक खाने के शौकीन हैं, ठीक है जी, तो आप डाल सकते हैं। लेकिन ये है कि इस स्टेज पर आके आप चेक कर सकते हैं कि अगर नमक कम है तो फिर आप डाल लें। तो मैंने चेक किया तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, नमक नॉर्मल था, ठीक है जी। चलिए देख सकते हैं डिश आउट हो चुका है, ठीक है जी। एक मिनट तो स्कूल, हाँ अच्छे से गल चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, hope you like my video, take care, bye, my love.